लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो अरविंद कहते हैं कि 6 महीने में 1 लाख नौकरियां देंगे, तो दिल्ली में आपने कहा था 5 साल में 8 लाख नौकरियां देंगे, 440 मात्र नौकरियां मिली। अरविंद उत्तराखंड में जाके कहते हैं कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 रुपये भत्ता देंगे, तो दिल्ली के अंदर 13,27,000 एजुकेटेड रजिस्टर्ड बेरोजगार दिल्ली में, तो उनको भत्ता दीजिए। आप गोवा में जाके बात करते हैं भाईचारे सद्भाव की, तो माफ करिएगा, दिल्ली जलती रही, दिल्ली में दंगे होते रहे, केजरीवाल कहाँ थे? दिल्ली के भाईचारे पे कुठाराघात हुआ, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? माफ कीजिएगा, कांग्रेस ने अपने एजेंडे से कभी हटी ना अपनी विचारधारा से पीछे हटी। हम हारे हैं राजनीति में, हार जीत होती, हमारे लिए हार कोई नई बात नहीं, लेकिन अपने असूलों से समझौता करना कांग्रेस ने ना मुझे सिखाया है, ना मैंने कांग्रेस को बदलते हुए देखा। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं कांग्रेसी, कांग्रेस की विचारधारा। 15 साल में एक कोई घटना आप मुझे बताएं कि दिल्ली के अंदर शीला जी के कांग्रेस के समय में कोई पत्ता हिला हो, कहीं भाईचारे पर कुठाराघात हो, कहीं मंदिर मस्जिद या चर्च टूटा हो, या कहीं मुसलमान या हिंदू के ऊपर कहीं तलवारें खींची हों? 7 सालों में दिल्ली ने क्या नहीं भुगता? नॉर्थ ईस्ट के दंगे हमने देखे, चौक चौराहे पर हमने लाठीचार्ज होते देखे, पिस्टलें तनती हुई हमने देखी, किसके समय में? क्यों आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते? यदि आप असहाय मजबूर हो तो क्यों इस्तीफा नहीं देते? नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप, मैं हूं प्रफुल्ल। 5 राज्यों में चुनाव तो है ही है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जोर शोर पे है, लेकिन उससे इतर दिल्ली में भी एमसीडी चुनाव 2022 में ही है, और उसके लिए भी तीनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो और बीजेपी हो, पूरी कमर कस चुकी है। इस बार जीतना ही जीतना है। हर पार्टियों के अलग अलग एजेंडे होते हैं, अलग अलग तरीके से जनता को रिझाया जाता है। हमारे साथ आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी मौजूद हैं, और इनसे बात करेंगे कि इस बार कांग्रेस जो पिछली गलतियां थी उसको कैसे समेटते हुए, उसको देखते हुए इस बार क्या प्लानिंग है। एमसीडी के चुनाव को लेकर आप लोग भी कमर कस चुके हैं, तो कैसे इस बार जनता को अपने तरफ आकर्षित करना? बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक सी बात है, एक राजनीतिक दल है तो चुनाव हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन सवाल ये उठता है कि 15 साल से भाजपा एमसीडी में है, लगभग 7 साल अरविंद केजरीवाल को हो गया है, तो अरविंद केजरीवाल जो 2013 में प्रश्न पूछा करते थे, मुझे लगता है अरविंद को जवाब देने होंगे उन प्रश्नों के जो दिल्ली भुगत रही है। जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास दिल्ली बनाने का जो सपना, ना केवल सपना देखा बल्कि शीला जी ने इस शहर को पहचान दी, विश्व स्तरीय पहचान दी, उस शहर को आज जो बर्बाद करने का काम किया है, आज लाख दावे करें आम आदमी पार्टी, सच्चाई यही है कि दिल्ली यदि नंबर वन बनी तो पॉल्यूशन में नंबर वन बनी, बेरोजगारी में नंबर वन बनी, कोविड फेलियर में यदि कोई शहर बना तो दिल्ली शहर बना। यदि दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें तो जो शहर की पहचान थी फ्लाईओवर सिटी, जो पहचान थी गरीबों को लेकर के बनाने वाली नीतियों की, आज वो तमाम योजनाएँ ठप कर दी गई। आज गरीब परेशान है, लगभग 52 लाख परिवार राशन कार्ड से वंचित हैं। अरविंद केजरीवाल से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, आप एक नया राशन कार्ड देते नहीं हैं, राशन कार्ड में नया नाम जोड़ते नहीं हैं, नए राशन कार्ड को छोड़िए पुराने राशन कार्ड पर 1 किलो राशन आप नहीं बढ़ाते हैं। जो राशन मिल रहा है वो कांग्रेस और यूपी और शीला जी के समय का राशन मिल रहा है। तो सवाल बहुत हैं, जवाब अरविंद को देने होंगे, जवाब भाजपा को देने होंगे, और इस साथ के साथ देने होंगे कि दिल्ली 15 साल एमसीडी, जो विश्व की सबसे एक तरह से मजबूत एमसीडी में कहलाई जाती थी, आज उस एमसीडी को बर्बाद भाजपा के मेयर, भाजपा के पार्षदों ने कर दिया है। और भाजपा अपने आप में कितनी मजबूत हुई है सब जानते हैं, किस तरह से आर्थिक तौर पर मजबूती हुई है, उनके पार्षद मजबूत हुए, लेकिन एमसीडी पूरी तरह से आर्थिक तौर पर बर्बाद है, खत्म है। एमसीडी को लेकर हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में हमेशा आरोप प्रत्यारोप चलता है, पहली चीज़। दूसरी, आपने कहा कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया गया, लेकिन यही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, गोवा जाते हैं और दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, दिल्ली विकास की तरफ अग्रसित है, आप बोल रहे हैं बर्बाद कर दिया गया। प्रचार प्रसार में दिल्ली जरूर अरविंद के अनुसार मॉडल दिखती है, विकसित मॉडल प्रचार प्रसार, 20 करोड़ से 465 करोड़ का बजट केवल इसी में लग रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जो अरविंद कहते हैं कि 6 महीने में 1 लाख नौकरियाँ देंगे, तो दिल्ली में आपने कहा था 5 साल में 8 लाख नौकरियाँ देंगे, 440 मात्र नौकरियां मिली। अरविंद उत्तराखंड में जाके कहते हैं कि रोजगार नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 रुपये भत्ता देंगे, तो दिल्ली के अंदर 13,27,000 एजुकेटेड रजिस्टर्ड बेरोजगार दिल्ली में, तो उनको भत्ता दीजिए। आप गोवा में जाके बात करते हैं भाईचारे सद्भाव की, तो माफ़ करिएगा, दिल्ली जलती रही, दिल्ली में दंगे होते रहे, केजरीवाल कहाँ थे? दिल्ली के भाईचारे पे कुठाराघात हुआ, अरविंद केजरीवाल कहाँ थे? केवल बहाने लेना, केवल ये बातें कह देना कि मेरे काबू में नहीं है, मेरे अंडर में नहीं है, तो शीला जी जब इस तरह का कोई बयान देती थी तो किस तरह की टिप्पणी होती थी, शीला जी के चेहरे पे कालिक पोती जाती थी, कमजोर कहा जाता था, असहाय कहा जाता था। दिल्ली के जलते रहे आप बात करें, उसके लिए कांग्रेस को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है,
कि थोड़ा बहुत कांग्रेस में बदलाव आई और सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आप लोग चल दिए। माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस ना अपने एजेंडे से कभी हटी है ना अपनी विचारधारा से पीछे हटी है। हम हारे हैं, राजनीति में हार जीत होती है, हमारे लिए हार कोई नई बात नहीं है, लेकिन अपने असूलों से समझौता करना कांग्रेस ने ना मुझे सिखाया है ना मैंने कांग्रेस को बदलते हुए देखा। मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस की विचारधारा है इस देश के तमाम धर्म के लोगों की रिस्पेक्ट करना, तमाम लोगों के लिए योजनाएं बनाना। ऐसा नहीं कि मैं सत्ता में आ गया हूँ तो अपने आप को बदला बदला समय महसूस कराऊँ। आज यही अरविंद है। अरविंद के पुराने कथन को देखिए और आज के कथन को देखिए, किस तरह से उन्होंने अपने आप को बदला है, ये सबसे बड़ी पहचान है एक व्यक्ति की, किस तरह से केंद्र के साथ मिलकर वो दिल्ली में रूल कर रहे हैं। 15 साल में एक कोई घटना आप मुझे बताएं कि दिल्ली के अंदर शीला जी के कांग्रेस के समय में कोई पत्ता हिला हो, कहीं भाईचारे पे कुठाराघात हो, कहीं मंदिर मस्जिद या चर्च टूटा हो, या कहीं मुसलमान या हिंदू के ऊपर कहीं तलवारें खींची हों। 7 सालों में दिल्ली ने क्या नहीं भुगता। नॉर्थ ईस्ट के दंगे हमने देखे, चौक चौराहे पर हमने लाठीचार्ज होते देखे, पिस्टलें तनती हुई हमने देखी। किसके समय में, क्यों आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते? यदि आप असहाय मजबूर हो तो क्यों इस्तीफा नहीं देते? कोविड आता है, विश्व के अंदर राहुल जी और कांग्रेस पार्टी आगाह करती है देश के मुल्क के प्रधानमंत्री को कि आप प्लीज सचेत रहिए, एक बीमारी आने वाली है। बीमारी आती है, बीमारी के समय देश के प्रधानमंत्री रेड कार्पेट बिछाते हैं, अरविंद केजरीवाल छुप के घर बैठ जाते हैं। और मरकज को जिस तरह से बयानबाजी की गई, जिस तरह से कमिश्नर को लेकर बार बार बयान बदलते हैं, उनके कथन को मैं भूल नहीं सकता हूँ। आप 15 साल का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी पार्टी अगर कहा जाए जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल रही है और उसको नकार देती है जनता, 2017 के एमसीडी चुनाव में आप 31 सीट लाते हैं 31 के करीब, फिर क्यों ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने जैसे कहा कि राजनीति में जनता जनार्दन है, वो अपना फैसला लेती है, लेकिन अपनी सोच अपनी विचारधारा से पीछे हटना मैं समझता हूँ ये सही नहीं है। शॉर्ट टर्म में हम हार जीत को जरूर फेस करते हैं, लेकिन आपको लंबे समय में इस देश की सेवा करनी, इस देश को एक एकजुट रखना है तो आपको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज़ादी से पहले भी सब की बात करती थी, सबके साथ आगे बढ़ाने की बात करती थी देश को, और आज भी उसी स्टैंड पे कायम है। अफसोस है कि सत्ता में बैठे लोग कब कब धर्म को अपनी सीढ़ी बनाएंगे, कब कब उस सत्ता तक पहुँचने के लिए लोगों के एक तरह से भाईचारे पर कुठाराघात करके उनका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते रहेंगे तो ये होगा। लेकिन कांग्रेस उस समय जब कांग्रेस की हार होती है तो एक मंथन होता है, उसमें कहा जाता है कांग्रेस के हार के पीछे जो जिम्मेदार है वो नेताओं की बयानबाजी और एक दूसरे से तालमेल नहीं होना, पर्सनल लड़ाई ले लेना, ये एक अलग विषय है। परिवार में बहुत सारे विचार मतभेद हो सकते हैं जो आपने कहा, लेकिन मुल्क के अंदर जो सियासत चल रही है, जिस तरह के हालात हैं, उन हालातों में मैं कहता हूँ मुझे अपने आप पे प्राउड है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मैं एक सोच के साथ जुड़ा हूँ जो सोच आज से नहीं, लगभग 130-140 साल पुरानी सोच है जिसने इस कांग्रेस के रूप में जन्म लिया और जो इस जन्म के साथ तैयार हुई कि कांग्रेस इस मुल्क को आज़ाद कराएगी, इस देश को बनाएगी, भाईचारे के साथ बनाएगी, हिंदू मुस्लिम सिख एकता के साथ बनाएगी, और उसी पर आज भी काम कर रही है। दो लास्ट क्वेश्चन लेंगे आपसे संक्षेप में, उसका चाहिए बस, एक महिला से और बीजेपी ने कुछ वादे किए थे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको ये कर देने के लिए रेगुलर बेसिस पे उनको नौकरी में स्थायी कर देना, वो वादे पूरे नहीं हुए। उसके बाद में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर या जल रोल को लेकर तमाम वादे थे, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? जो बीजेपी के वादे थे वो नहीं पूरे हो पाए। देखिए, चाहे राष्ट्रीय वादे हों या दिल्ली से संबंधित वादे हों, किसी भी मोर्चे पे आप जब दोनों सरकारों को रखेंगे तो हर मोर्चे पे विफल साबित होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं आंगनवाड़ियों को, शिक्षकों को परमानेंट करूँगा। लगभग 22,000 शिक्षक थे जो अस्थाई, जो कांग्रेस के समय में लगे थे, जिनको आए ना, जिनको सपना दिखाया, और अब जो आज अपने आप को देखते हैं ठगा हुआ महसूस करते हैं। तो अरविंद ने ना वो वादा पूरा किया, वैसे ही एमसीडी के अंदर एक भी शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। 15 साल में जो एमसीडी कांग्रेस ने छोड़ी थी उसको बर्बाद करने का काम भाजपा ने किया है। भाजपा के अपने पार्षद बहुत आर्थिक तौर पर मजबूत हो गए, भाजपा के अपने कार्यालय, भाजपा के अपने प्रदेश अध्यक्ष बहुत मजबूत हो गए, भाजपा के जिला बहुत मजबूत हो गए, लेकिन सच्चाई है कि दिल्ली की कॉरपोरेशन को उन्होंने बर्बाद कर दिया महिलाओं से। तो ये थे हमारे साथ अनिल चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और एमसीडी चुनाव है, एमसीडी चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, तीनों की लड़ाई इस बार समझिए कि त्रिकोणीय ही है, क्योंकि तीनों पार्टियां अपने आप में कहीं ना कहीं अच्छे पकड़ रखती है जनता के बीच में। आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल जनता यहाँ पे दिल्ली में सरकार में है, वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी लोकसभा का चुनाव हो या उसके बाद में एमसीडी में हो, तीनों जगह पे उसका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। आम आदमी पार्टी भी सरकार चला रही है, अब कांग्रेस को देखना है कि कांग्रेस जनता को कैसे अपने तरफ आकर्षित करती है, रिझाती है और क्या करते हैं ये लोग कांग्रेस जनता के लिए। तो खैर, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए, अगर हमारे चैनल को देख रहे हैं आप तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे बेल आइकन दबाइए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।